हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लवली इनो टोकन के न्यू अपडेट, न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग, साथ ही में क्या इस समय इस प्राइस पर इसको बाय करना ठीक रहेगा या नहीं। इसकी जो करंट वैल्यू है वो 0.6 × 10⁻³ के बाद $3,967 चल रही है। 8% का इसमें आज डाउन देखने को मिला है। एंड इसकी जो दिन में प्राइस चल रही थी वो 0.6 × 10⁻³ के बाद $43 चल रही थी, उसके बाद से इसमें डाउन देखने को मिला है। एंड जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो अभी इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि जुलाई के एंड से लेकर अगस्त के शुरुआत में इसमें काफ़ी अच्छा पंप हमें देखने को मिल सकता है। साथ में इसके यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो $27 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। 34% की 24 आवर के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम पंप हुई है, यानी कि लगभग $5 मिलियन की इनकी 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही है। यहाँ पर इसके ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं तो ट्विटर अकाउंट पर 3,47,000 फॉलोअर्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं। लवली इनो टोकन ने यहाँ पर 56 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, एक्सचेंज ऑफ द दुबई विल लिस्ट लवली सुन, यानी कि जो दुबई का एक्सचेंज है एमिरेक्स, इसने अनाउंसमेंट कर दी है एमिरेक्स विल लिस्ट लवली फाइनेंस लोवल, यानी कि लवली इनो टोकन को बहुत जल्द दुबई के एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। डेट की बात की जाए तो 1 अगस्त 2023 को USDT के पेयर के अंदर दुबई के एक्सचेंज में लवली इनो टोकन लिस्ट हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं वन एंड ओनली लवली टूलियो, यानी कि एक यूजर है जिसने यहाँ पर एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि उसने टोटल 91 बिलियन टोकन लवली इनो टोकन इस प्राइस पर ख़रीदे हैं, यानी कि जिस प्राइस पर मैंने वीडियो बनाई है अभी जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर इन्होंने 91 बिलियन टोकन को बाय किया है। आप यहाँ देख सकते हैं बाइंग द डीप टोटल पोर्टफोलियो 200 बिलियन प्लस, यानी कि जो इनके पास टोकन होल्ड है वो 200 अरब टोकन इनके पास टोटल होल्ड है। आई सोल्ड आउट अदर टोकन्स गेटिंग द लवली जेम, यानी कि सभी टोकन्स को इन्होंने सेल कर दिया है और लवली इन टोकन को बाय किया है। XRP, डोजकॉइन, सीबा, पेपे, फ्लोकी इनको इन्होंने सोल्ड कर दिया है। 13 एक्सचेंज अनाउंसमेंट स्टिल पेंडिंग, यानी कि 13 एक्सचेंज अभी पेंडिंग में है, उनका अनाउंसमेंट होगा तो इसमें लगभग 2x to 5x तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में नामी एक्सचेंज की तरफ से 3 घंटे पहले ट्वीट किया गया था टॉप गेनर इन BNB चेन इकोसिस्टम लास्ट 7 डे, यानी कि नामी एक्सचेंज में जो टॉप गेनर के अंदर कॉइन्स आ रहे हैं उसमें से टॉप नंबर 1 लवली इनो टोकन आया है। आप देख सकते हैं कि टॉप गेनर 36% इस एक्सचेंज पर सबसे ज़्यादा जो टॉप किया है वो लवली इनो टोकन ने किया है। साथ ही में BSE दिल्ली की तरफ से बताया गया है टॉप गेनर इन BNB चेन इकोसिस्टम लास्ट 24 आवर, लवली इनो टोकन यहाँ भी फर्स्ट आया है, यानी कि अब लवली इनो टोकन का टाइम आ चुका है, ये हर जगह वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में आएगा और बहुत जल्द काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में लवली इनो टोकन को दिखाया जाएगा। लवली इनो टोकन ने 6 घंटे पहले ट्वीट किया था नेक्स्ट वीक वजीरेक्स, आर यू गाइज एक्साइटेड, इफ़ यस लेट्स कॉमेंट बिलो, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में वजीरेक्स इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेट एंड विड्रॉल ट्रेडिंग कब ओपन होगी ये वजीरेक्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक वजीरेक्स पर ये लिस्ट होने जा रहा है। दुबई के एक्सचेंज पर भी नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा, तो इसके प्राइस के अंदर अभी इस समय अगर आप बाय कर लेते हैं तो 2x से 5x तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।